कहिए शौर्य बड़ा। हम क्षमा प्रार्थी है बाबा साहब। आप क्षमा प्रार्थी हमसे क्यों भला? आपने सवारा बनाकर कल विवाह में हमें भेजा, पर हम विवाह नहीं करवा पाए। हम तो अच्छा मित्र कर देते, परंतु दारुगा इतना बुरा नाचे कि दुल्हन चटकर खाके बेहोश हो गए बाबा साहब। आपके वो जादूगर जितना ना करे वही कम है। हमारी बात सुनिए, आपके जादूगर के लिए आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। क्यों बाबा साहब? हम व्यस्त रहते हैं, पहले की तरह आपके साथ समय नहीं बिता पाते, खेल नहीं पाते, इसीलिए हम क्षमा मांगते हैं। कोई बात नहीं है बाबा साहब, हमारे मित्र जादूगर है ना, वो खेलते हैं हमारे साथ, उनके साथ बहुत अच्छा लगता है हमें। उनके साथ मस्ती में हम इतना खो जाते हैं कि आपको भूल ही जाते हैं, आपके यादें नहीं आती। बाबा साहब हम जा रहे हैं जादूगर के साथ उद्यान में छुपन छुपाई खेलने। हमारे मन में ध्रुव तो है ही, हमेशा रहेंगे, लेकिन अब हमारे तन में भी ध्रुव एक जिंदा सांस बनकर धड़क रहे हैं। सर से लेकर पाप तक, मारा अंग अंग, मारा रोम रोम, सब कुछ केवल ध्रुव का है। कोई बात नहीं है बाबा साहब, हमारे मित्र जादूगर है ना, वो खेलता है हमारे साथ, उनके साथ मस्ती में इतना खो जाते हैं कि आपको भूल ही जाते हैं। कल रात से ध्रुव कहीं दिखाई ना दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। चलिए हमारे साथ। चुटकू साथ, चुटकू साथ, पहले हमारे को बताओ, आपने अपने जादूगर मित्र को कोई देखा? नहीं, कल एक विवाह में सरवारा बनकर गए थे, पर बात हो दूल्हा उनका बंदर जैसा मेरे तरह देख कर ब्रोक होगी, उसके बाद से हमने जादूगर को कहीं नहीं देखा। माँ साहब चलिए, हम आपको कुछ दिखाना है। ये झूला मारे बाबा साहब ने मारे लिए मैं हाथों से बनाया था, पर अब हम बड़े हो गए, कब आप इस पर झूला? अब आपको खुद झूला झुलाएंगे और हम आपको वे सारे खिलौने देंगे। सॉरी बना, आपको भाई चाहिए या बहन? भाई हो तो बाबा जैसा, वो बहन है तो बाबा जैसी, तो दोनों में खुश है। रानी साहब, आपको आपकी दूसरी संतान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम आपकी ओर से सबको मिठाइयाँ बंटवा रहे हैं। ना ना ना, अभी मिठाई बंटवाने की कोई आवश्यकता ना है, किसी ने कहा था ऐसे ये सब करने के लिए? सारी तैयारियां हमारे और बाबा सारे मिल के की है। बाबा साहब आ गए। बड़ा शुभ समाचार हम शौर्य बना को कैसे ना बताते, इतने खुश हैं वो, और अब तो हमें ये खुशखबरी पूरी दुनिया को सुनानी है। मासा आइए ना, चलिए बैठिए। बाबा साहब भी आइए ना।
संसार के सबसे अच्छे बाफर बाबा है। जैसे आप दोनों ने हमारा ध्यान रखा था, आप अपने भाई या बहन का वैसे ही ध्यान रखेंगे। हम अपने हाथों से सबको मिठाई और सरफिया देंगे। सच कहे रानी साहब, जब हमें आपके गर्भवती होने की बात पता चली, पहले हम बहुत क्रोधित हुए। ठेस पहुंची हमें, सूझबूझ खो बैठे। फिर हमने याद किया कैसे आप ही के कारण हमें संसार की सबसे सुंदर संतान और सबसे बड़ी खुशी शौर्य बना मिले, और अब आप ही के माध्यम से एक और पुत्र या पुत्री प्राप्त होगा। और आपको वचन देते हैं कि हम आपकी और होने वाली संतान की अपने प्राणों से अधिक सुरक्षा करेंगे, प्रेम करेंगे, ध्यान रखेंगे। रानी सा आगे आइए। महावैद जी, ऐसी बात है कि मैं तो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ी थी। आपकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हमारे से पहले भी कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अपने ओहदे का दुरुपयोग कर मैं इनके साथ अन्याय थोड़ी कर सकती हूँ। हमें भी कोई जल्दी नहीं है रानी साहब, समय नष्ट करने ही आए हैं यहाँ, जिससे वहां ध्रुव से आपको दूर करने की योजना जो हमने बनाई है वो बिना विघ्न के सफल हो जाए। कौन खा लू खाले, कोई दिख तो नहीं है। किसी ने देखा है दुल्हन को? नहीं तो वो तो अंदर तैयार हो रही थी ना। अरे पर अंदर नहीं है, कहीं वो भाग तो नहीं गई? हेलो अंकल। क्या है? नहीं क्या है भाई, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि देखो जो आपकी बेटी है, बेटी की शादी तो उसके मन से ही हो रही होगी ना। हो रही तो वो भागी की क्यों? ए, बाप नहीं हूं मैं दुल्हन का, दूल्हा हूं मैं। लो कर लो बात। देख क्या रहा है, चलो ढूंढो उसे। तो फ्रेंड हमें उनकी मदद करनी चाहिए दुल्हन ढूंढने में क्या? तुम पता क्या करो, तुम अपने सैनिकों को लेके महल जाओ, ठीक है? मैं ना उनकी ना दुल्हन को ढूंढ के फटाफट आ जाऊंगा। पक्का ना? ना, ना पक्का। बात क्या रानी सा, विचलित लग रही हैं आप। इमली। इमली? जी जी, मारे को बहुत जोर से इमली खाने का मन कर रहा है। हुकुम। इमली इस समय? इस समय मतलब ये पेट से हूँ मैं, कभी भी कुछ भी खाने का मन कर जाता है। ऐसा करती हूँ पेड़ से इमली तोड़ ले आती हूँ। यूं गई यूं आई, आई समझ? रानी सा रुकिए। देखी क्या आपको, आपको आपकी बीवी दिखी? दो
दुल्हन मिली? देख क्या रहे हो तुम सब, जल्दी ढूंढो उसे, बच के जाने नहीं चाहिए। दुल्हन, दुल्हन जी। कोई, कोई, ये भूसा रो रहा है, ये मैजिकल भूसा है क्या? अरे भूसा भाई आप रो क्यों रहे हो? छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सुनो तो सही मेरी बात। अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें मार थोड़ी रहा हूँ। नहीं मारू, तुम घबराओ मत मुझसे। अरे डरो मत यार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं ध्रुव। चलो तुम कौन हो? मैं डॉली हूँ। डॉली? हाँ। बहुत क्यूट नाम है तुम्हारा, जैसे डॉल होती है वैसी तुम्हारे कपड़े भी डॉल जैसे। तुम चुपन चुपाई खेल रही हो क्या ये इस भूसे में छुप के? नहीं नहीं, तो तुम ऐसे दुल्हन के कपड़े में तुम ऐसे क्यों रो रही हो? आप यहीं रुकिए, आपकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है और अधिकार भी। आपके लिए इमली हमारे सैनिक ले आएंगे। रानी सा, नाड़ी परीक्षण के लिए आप आ गए। जाइए। अब क्या करूं? मारी बारी आ गई। एकाना जी, मारी मदद कर दीजिए। उसका नाम बताएं, जो आपकी होने वाली वधू को भगा कर ले गया। उसे ढूंढकर उचित दंड दिया जाएगा। किसी की वधू को भगा कर ले जाना एक संगीन अपराध है। वो छोरा जिसने हमारी होने वाली पत्नी को भगाया, वो बड़ा ही अजीब बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था, और वो राजकुमार शौर्य बना के साथ मिलकर शादी के सारे गुलाब जामुन खा गया। ध्रुव, ध्रुव ऐसा कर ही ना सकता, कभी ना कर सकते। मारे को पूरा विश्वास है, किसी लड़की को ऐसे भगा ही ना सकते। हम आपके साथ हैं रानी साहब, हमें भी नहीं लगता कि ध्रुव ऐसा कभी कर सकते हैं। वो है ध्रुव। यही है वो लड़का और यही है हमारी होने वाली पत्नी। ध्रुव, ध्रुव यहां आइए। क्या सुन रहे हैं हम? क्या ये सच है कि आप इस व्यक्ति की होने वाली दुल्हन को भगा के ले गए? हाँ। तो ये लोग बैडमैन के जैसे जबरदस्ती इस लड़की की शादी करवा रहे थे इन लालू अंकल के साथ। हाँ। तो ये तो बच्ची है, अभी 18 साल की भी नहीं हुई, तो ये तो शादी करना ही नहीं चाहती है ना? नहीं करना चाहती है?
तो फिर मैंने गुड बॉय की तरह मैं इसे भगा के ले गया ताकि इसको जस्टिस मिल सके। पता नहीं कौन सी भाषा में क्या क्या बड़बड़ा रहा है ये? ये जटिस क्या होता है? अर्थात सरल भाषा में समझाइए। जस्टिस मतलब न्याय, इंसाफ। आपको पता नहीं हम कैसे यहाँ बचते बचाते भाग भाग के आए हैं। ओए 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 आराम से आराम से आप देखो तुम ना बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है? मैं तुम्हें ना देवगढ़ के पैलेस लेकर जाऊंगा, वहां पे ना तुम्हें जस्टिस मिलेगा, जस्टिस जस्टिस इंसाफ मिलेगा। हाँ वहाँ की जो रानी है ना वो बहुत अच्छी, और जो तुम्हारा अंकल है ना जो तुमसे शादी करना चाहता है वो उसको ना बहुत मारेगी। मैंने अपना बस्ता जंगल में छुपाया, मैं लेकर आती हूँ। हम फिर हमने बैग लिया, बैग बस्ता बस्ता लिया और हम भागते भगाते यहाँ आ गए। और हम मैंने कोई गलत किया क्या? गलत ना किया है बल्कि गलत होने से बचाया भी है। किसी स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करना गलत होता है और बाल विवाह तो समाज की वो फुंसी है जिसे फोड़ देना चाहिए। गंगोर पाप है बाल विवाह, आई समझ? तारा थैंक यू सो मच, तुम मुझे समझती हो। मुझे पता था तुम मेरे साथ दोगे। और यहाँ की रानी बोल रही है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। बात खत्म, डिस्कस। ऐसे कैसे बात खत्म? हमें रानी साथ है नहीं, हुकुम से न्याय चाहिए। क्या चाहते हैं आप? बिना इस लड़की की इच्छा के इसका विवाह आपसे करवा दिया जाए? नहीं हुकुम, लेकिन एक अनजान लड़के के साथ जो लड़की भागी हो उसके चरित्र पर संदेह होता है। दो पैसा भी इसके चरित्र पर विश्वास नहीं होता है हमें। दोपहर से ज्यादा तक ये दोनों साथ रहे, पता नहीं अकेले में क्या क्या किया होगा इन दोनों ने। ओ, ओ, ओ। ए, बक! मारे ध्रुव के बारे में अनाप शनाप बका तो यही जबान खींच लूंगी, आई समझ? शांत रानी सा, शांत। आप सब गुहार लेके हमारे पास आए हैं, क्या मांग है न्याय की? हमारे विवाह की तैयारियों में जो पैसा खर्च हुआ है उसका हर्जाना हुकुम, और डोली की शादी हुकुम। अगर रिश्ता टूट गया तो जिंदगी भर के लिए इसके चरित्र पे धब्बा लग जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसकी। परंतु ये डोली से विवाह नहीं करना चाहते तो कौन थामेगा डोली का हाथ? ये थामेगा हुकुम जो उसे मंडप से भगा कर लेकर गया था। ये ना हो सकता, ये कतई ना हो सकता। इसका विवाह कैसे हो सकता? ये तो गलत है। एक ही उपाय है और यही नियम, या तो ये छोरा ढोली से शादी करे नहीं तो ढोली को नगर वधु घोषित किया जाए। जो किसी की लुगाई नहीं होती वो सारे गांव की होती। हमारी सही बात है, यही न्याय है। हमारी मांग पूरी हो, न्याय करो। हमारी मांग पूरी हो, न्याय करो। न्याय करो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, यही न्याय है। हमारी मांग पूरी हो, न्याय करो। हम मानते हैं यही रिवाज है, यही न्याय है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। इस लड़की ढोली को नगर वधु घोषित करके हम इसका जीवन नष्ट नहीं करना चाहते। इसलिए ध्रुव आपको इनसे विवाह करना ही होगा।
शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नौजवान है, अवश्य कर सकते हैं और करेंगे। अरे मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तो शादी हो रखी है ना। किससे हुआ है आपका विवाह? कौन है आपकी पत्नी? वाह भाई साहब, मान गए। षड्यंत्र के चौसर में मक्कारी वाली चाल चली है आपने। अब यदि ध्रुव रानी साह का नाम भी लेगा तो राजद्रोह के लिए दंडित होगा। ये ध्रुव को फंसा रहे हैं। ध्रुव ने हमारा नाम लिया तो पूरे गांव का गुस्सा टूट पड़ेगा। दंडित किया जाएगा ध्रुव को। किससे? किससे हुआ है आपका विवाह? कौन है आपकी पत्नी? कीजिए रानी सा का नाम ध्रुव। अरे राज की बात है, किसी को नहीं बताना है। यदि नहीं बता सकते तो आपको इस लड़की से विवाह करना ही होगा। ये मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये इल्लीगल है। अर्थात? अरे जो लड़की 18 साल से ऊपर नहीं होती तो उसके साथ शादी करना इलीगल होता है ना। काई बात कर रहा है, किस भाषा में वार्तालाप कर रहा है? इलीगल का मतलब गैर कानूनी। वाह, तुम्हें भी पता है। तुम्हें याद है जो मैंने मूर्ति और चांद वाला एग्जांपल दिया था? एग्जांपल मतलब उदाहरण। क्या था यार? जैसे तुम्हें मूर्ति में भगवान की छवि दिखती है, हाँ, और वो पानी वाले चांद में असली चांद की, वैसी हमारी जो छवि है ना वो वैसी वैसी जैसे वो आसमान में ध्रुव तारा चम 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 कर रहे ना, वैसी। थक गई हो ध्रुव, लड़ लड़के थक गई हो। पता नहीं क्यों इस बार ये राजा बाबू को हराना बहुत मुश्किल लग रहा है मारे को। सूर्य प्रताप कल तारा रोका करवाने पे तुले है और रोका ना हुआ तो बच्ची को नगर वधु घोषित करके उसकी जिंदगी खराब करवा देगा। कैसे रोकूं मैं ये सब? क्या करूं? मारे को कुछ समझना है। ऐसा लग रहा है इस बार ही राजा बाबू को हराना उसके लिए। ऐसा लग रहा है कल सब खत्म हो जाएगा। तारा चलो चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो। अरे चलो तो सही तारा। तारा तुम्हें पता है जब तुम पुरानी वाली तारा थी ना तो तुम ना हमेशा हमेशा यहाँ पर आती थी। हाँ, रुको मैं तुम्हें ना एक चीज दिखाता हूँ। तारा तुम्हें पता है ये क्या है? इसको हम कहते हैं धर्म ग्रंथ। इसका तुम ना कोई भी पन्ना खोल कर। ध्रुव उससे क्या होगा? समस्या का समाधान। हाँ तुम फटाफट खोल लो इसका पन्ना। खोलो। चंदन की महक। मैं पढ़ के बताता तो। दारा अब जो इसमें लिखा है ना मैं तुम्हें उसका मतलब समझाऊंगा, ठीक है? धर्म से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होता और अगर हमने धर्म की जीत के लिए लड़ाई नहीं करी ना तो वो बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि धर्म से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं होता। परिवार, रिश्ते, नाते, इन सबसे बड़ा धर्म होता है। राजा के लिए खुद से बढ़कर उसका राज्य होता है और राज्य के लिए उसका धर्म।
समझ में आया? क्या बात कर रही हो? चंदन मुनि जी देवगढ़ में पधार रहे हैं, मारे को उनसे आशीर्वाद लेना है, चले। चंदन मुनि जी देवगढ़ में पधार रहे। कृष्ण जी धन्यवाद मारी मदद करने के लिए। कृष्ण जी चलो। ध्रुव ढोली ढोली ढो। ओ ढोली ढोले ढोले ए ढोली 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 ढोली। रुको 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 रुको। अरे कहाँ जा रही मैं तुम मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी। ओ हेलो हेलो हेलो। मेरे चेहरे पे क्या लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं करना चाहता। और सुन लो मेरी बात, देखो मैं तो खुद तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप करना चाहता हूँ। प्लीज गिव मी माय बैग और एल्स आई विल शाउट फॉर हेल्प। ये लैंग्वेज कैसे पता तुम्हें? तुम बताओ तुम्हें कैसे आती है? सवाल मैंने पूछे तो पहले जवाब तो तुम दोगी ना? तुम्हें नहीं बताना ना, सो डोंट टेल। मुझे मेरा बैग वापस दो। मोबाइल फोन बेटा कैसे आ गया मोबाइल फोन तुम्हारे पास? नहीं दूंगा। इट मीन्स कि तुम जो हो ढोली वो तुम किसी दूसरे राज्य से नहीं हो, तुम एक दूसरे एरिया से हो। समदर समय सदी। तुम्हें कैसे पता दूसरे समय सदी के बारे में? मीन्स तुम भी दूसरे समय सदी से आए हो? तुम भी सेम पिंच। अपनी छोड़ो मारी सुनो, तुम दोनों का ये जबरदस्ती वाला विवाह रोकने के लिए उपाय मिल गया हमारे को। साची मुच्ची, लेकिन अपनी ये बत्तीसी बंद कर लो और जितने बेचारे बन सकते हो बन जाओ। मुंह लटक के घुटने तक आ जाना चाहिए, आई समझ? अरे अगर हमारे पास सोल्यूशन है तो फिर हम ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे? ताकि राजा बाबू को शक ना हो कि बिजली का लुनकी हुर रहिया करने वाली है। रानी साहब अवश्य ही हमारी योजना को रद्द करने का उपाय ढूंढ रही है। मांड अपने गुप्तचरों से पता कीजिए वो कहाँ गई थी और क्या करने वाली है। जी बस। होली और ध्रुव का रोका संपन्न होना ही चाहिए। मारे को बुलाया आपने? सहायता कीजिए हमारी। आप तो राजा हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। मारी सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? कर तो सकते हैं और करेंगे भी, परंतु आप ध्रुव को अच्छी तरह जानती हैं और आज ध्रुव और ढोली का रोका है तो हमने सोचा ध्रुव के लिए वस्त्र आप ही चुन दीजिए। कौन सा परिधान सर्वाधिक जचेगा ध्रुव पे? ये या ये? ध्रुव के लिए चुने गए परिधान अनुसार ढोली के लिए भी रोके का जोड़ा चुन लीजिएगा। ऐसा आभास होना चाहिए कि ध्रुव और ढोली की जोड़ी स्वर्ग से बनकर यहां धरती पर उतरी है। कुछ तो प्रतिक्रिया दीजिए रानी साहब, जिससे हमें पता चले कि आप हमारी योजना को रद्द करने के लिए क्या उपाय सोच रही हैं। रानी साहब आप चाहते हैं मैं चुनाव करूं? पहनवा लेती हूं पहले, फिर कर लूंगी चुनाव। अति उत्तम।
आपको लग रहा होगा मैंने हार मान ली, इस बार जीत आपकी होगी। ये जीत की गलतफहमी ही आपकी हार का कारण बनेगी राजा बाबू। आप हार मानने वालों में से नहीं है, हम जान गए हैं। हमें भ्रमित करने के लिए हार मान लेने का दिखावा कर रही हैं, जिससे हमारे मन में आपके इरादों को लेकर कोई संदेह ना हो। डोली, ध्रुव, ये धरो, रोके के लिए तैयार हो जा। आपने तो बोला था शादी तोड़वाने का तरीका सोचा है आपने। इन्होंने झूठ बोला था ना? हैं? तारा कभी झूठ नहीं बोलती, मैं बात करता हूँ। तारा क्या कभी होगी? तुमने तो कहा था कि तुम रोका होने से रोकोगी हमारा, तो ये कपड़े, तुम तो कपड़े फाइनल कर रही हो। हाँ ना, ये तो राजा बाबू को झांसे में फंसाने के लिए आई, समझ? मतलब राजा बाबू को लगना चाहिए ना कि इस बार जीत उन्हीं की होगी, इसलिए कपड़े ले आई। तुम दोनों कपड़े पहन लो। पर ये बिजली का वादा है, बिजली ये रोका होने ही ना देगी, आई समझ? पिंकी प्रॉमिस। पर ये तो हमारे बीच की बात है ना। अरे डॉली, मैंने तो तारा को बहुत सारे पिंकी प्रॉमिस दिए हैं, तो कुछ नहीं होता, ये भी ऐड भी होगा उसमें, कुछ नहीं होता। तुम भी करो, हमारा वादा है तुम दोनों से। ये रोका तो क्या, रोके का एक मंत्र भी ना पढ़वाने दूंगी मैं किसी को। बस ये वस्त्र पहन लो और याद रखना, ज्यादा खुश मत दिखना। संदेह ना होना चाहिए राजा बाबू को, चेहरे उतरे हुए दिखने चाहिए। जी, ढोली, तुम्हारे रोके का मुहूर्त थोड़ी देर बाद का ही है, तैयार क्यों नहीं हुए तुम दोनों? बहुत सैड है। तो भी हम तैयार भी नहीं हुए और मुझे तो ये कपड़े पहनना भी नहीं आता। साड़ वाड़ हमें नहीं पता, अब रोके या हंस के ये रोका तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। चलो हम तुम्हें तैयार कर देते। बस ये लो, ये पहन लो। तारा, ये मुझे ना पहनना नहीं आता, तो तुम मुझे इसके ऊपर पहन के बता दो। हाँ लाओ। किंग की वाइफ, तारा, इधर देखो, तुम ना चली जाओ, मैं कपड़े ना खुद पहन लूंगा। ठीक है। ए हाँ, तुम दोनों ये ना भूलना। हेयर स्ट्रेटनर देख लिया इन्होंने, यार इन्हें पता चल जाएगा कि ढोली दूसरी सदी से आई है, क्योंकि इस एरा में तो हेयर स्ट्रेटनर होता ही नहीं। ये तो कोई यंत्र लग रहा है। ये कैसा यंत्र है, क्या है ये? कपड़े रगड़कर धोने वाली थापी है। खिलाएंगे नहीं, पहले हम खिलाएंगे, तो हम खिलाएंगे, हम जा रहे हैं, पहले हम खिलाएंगे, नहीं पहले हम खिलाएंगे, हमें दो।
स्ट्रेटनर मिलेगा मेरा। रुको। प्रणाम बाबू साहब। कई योजना चल रही है तुम्हारे इस मन में। हमने अपने पुत्र के विरुद्ध जाकर तुम्हारा साथ दिया, पर अब ऐसा लग रहा है कि तुम सब कुछ अकेले करना चाह रही हो। ना बाबू साहब, बात ऐसी है कि इस योजना के बारे में जितने कम लोगों को पता है उतना अच्छा। मारे ऊपर विश्वास कौन है तुम्हें? ना ना बाबू साहब, मैंने तो ऐसा ना कहा। तो बताइए, ध्रुव और डोली के रोके को रोकने के लिए कई योजना बनाई तुमने आज? बस जब युद्ध अधर्म से हो तो धर्म को ही ढाल बना लेना चाहिए, वही कर रही हूँ। तुम्हारे को इतना तो पता चल गया है कि राजा सूर्य प्रताप के निर्णय को यदि कोई पलट सकता है, उनके आदेश को कोई पलट सकता है, तो वो है केवल धर्म। तुम कुछ समझे को नहीं? इतना समझ लीजिए कि राजा सूर्य प्रताप को चुनौती देने कोई तो आने वाला है, बस प्रतीक्षा कीजिए आप। प्रणाम मुनिवर। देवगढ़ के राजा महाराज सूर्य प्रताप सिंह का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। आप हमारे देवगढ़ आए, ये सौभाग्य है हमारा। पूरे आदर सत्कार से आपकी सेवा होगी, परंतु एक विनती है, अगले 3 दिन तक आप महल में प्रवेश ना करें। ऐसा तिगड़म रचा है इस बार बिजली ने कि सूर्य प्रताप तो चौंक ही जाएंगे। अब ध्रुव और डोली का रोका स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। छोटी तो मैं शादी के लिए भी हूँ ना, हो रही है ना पर मेरी शादी? बाल विवाह पर टीवी शोज देखते वक्त ये थोड़ी ना पता था कि एक दिन मेरा ही बाल विवाह होगा। क्या करूँ मैं अब? डॉली देखो, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ ना, तो मैं सब प्रॉब्लम ढोली ही तो हम कह रहे हैं, दीवार पर सर मारने से दीवार नहीं टूटती, अपना ही सर फूटता है। और हुकुम तो दीवार नहीं चट्टान है, समझदारी इसी में है कि उनका कहा मान लो। अरे तो आपकी समझदारी घास चरने गई है क्या? मुझे नहीं करनी शादी। अरे ढोली, हमारे ध्रुव जी उम्र में भले ही बड़े हैं, लेकिन दिल से बच्चे ही हैं। दोनों धीरे धीरे एक साथ बड़े हो जाना, फिर घर बसा लेना। जी 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 जी, बहुत गंदी बात करते हो आप लोग, गंदे लोग। ढोली देखो, सारी बातें एक तरफ, पर ध्रुव जी सच में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके साथ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी, वरना अगर नगर वधू बना दी गई तो बाहर दरिंदे नोच खाएंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ध्रुव जी से विवाह कर लो। तारा, तारा कहाँ गई यार? कोई तार 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 तू यू व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये तो हल्दी का इतना बड़ा कटोरा लेकर तुम घूम रही हो। वो मैंने डॉली को बोला कि तुम शादी नहीं होने दोगी। तारा देखो, मेरा जो पिंकी प्रॉमिस है ना वो फ्री करनी है, पता तुम्हें? मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा डॉली को? मारे को माफ करना ध्रुव, पर इस बार मैं अपनी योजना थारे को भी ना बता सकती। बोलो बोलो, क्या सोचा तुमने? महल में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मारे चुटकू उस्ताद के होते हुए अन्याय कैसे हो सकता है राजमहल में? क्या क्या है? हम जादूगर के जादू या बच्चा बनने से पहले से बच्चे हैं, हाँ कि ना? अर्थात हम इनसे अनुभवी बच्चे हैं, हाँ कि ना? हाँ। पहले हमारा विवाह होना चाहिए ना, इनका विवाह हो रहा है तो घोर अन्याय है। ए चुटकू उस्ताद, ए चुटकू उस्ताद, ए मारी। ऐसा है चुटकू उस्ताद, विवाह जिसका भी हो बाल विवाह अन्याय ही होता है,
पता है विवाह कब करना चाहिए? जब आप बड़े हो जाओ और अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुन सको। आई समझ? जैसे बाबा और आपने एक दूसरे को चुना, है ना पापा? जब हम बड़े होकर राजा बनेंगे ना, बाल विवाह पर रोक लगाने का आदेश पारित करेंगे। अरे ये पारित वारित क्या बोल रहे हो? तुम जब राजा बनोगे तो बनोगे ना। अभी तो ये लोग मेरी डॉली के साथ शादी करवा रहे हैं ना, उसका क्या मैं करूंगा? मैं जा रहा हूँ डॉली का ख्याल रखने। डॉली, 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 ये तुम्हारी खुशियों की चाबी है और रास्ता महल के पीछे वाले द्वार की तरफ से। कहाँ है ये पीछे वाला दरवाजा? किस तरफ जाऊं? उधर जाती हूँ। डॉली, डॉली, for more updates subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.